ये जबर भी देखा है तारिक की नजरों ने, ये जबर भी देखा है तारिक की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ताकत, जबर, तानाशाही और हुकूमत की उम्र लंबी नहीं होती। जब ताकत का गुरूर सिर चढ़कर बोलने लगे तब गुरूर को खत्म करने के लिए कोई ना कोई नई ताकत अपने वजूद में आती है। अगर फिरौन की तानाशाही कायम रहेगी तब मूसा की आमद भी होगी। अगर नमरूद आग के शोलों पर गुरूर करेगा तो इब्राहिम की आमद भी होगी। अगर अब्रहा को अपने हाथियों पर गुरूर है तब अबाबिल का लश्कर भी आएगा। अगर मरहब को अपनी ताकत पर गुरूर होगा तब जुल्फिकार का जौहर भी होगा। अगर खैबर को अपनी ताकत का गुमान है तो अली की आमद होनी तय है। पर तारिक हर दौर में खुद को दोहराती है। जबर, तानाशाही और ताकत का गुरूर हर दौर में देखने को मिल जाता है, पर गुरूर को एक न एक पस्त होना पड़ता है। लेकिन आज के दौर में ताकत किसके पास है? दरअसल दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका, पूरी दुनिया में इंसानियत और इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा अलमबरदार अमेरिका, पूरी दुनिया में शांति, अमन, भाईचारे का सबसे बड़ा ठेकेदार अमेरिका, हर तरफ ऊपर अमेरिका, नीचे अमेरिका, आगे अमेरिका, पीछे अमेरिका, हर तरफ अमेरिका ही अमेरिका। मानो अमेरिका एक ना हुआ, भगवान हो गया। पर इस वक्त यही अमेरिका बुरी तरह से परेशान है। सीरिया, यमन, इराक से पीठ दिखाकर भागने वाला अमेरिका पता नहीं कैसे खुद को दुनिया का बादशाह कहता है, जबकि भूखे, नंगे और पहाड़ों में रहने वाले कौम से नजरें चुराकर रात के अंधेरे में दुम दबाकर भागा था विश्वगुरु अमेरिका। अमेरिका कितना बड़ा बब्बर शेर है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि तकरीबन 20 साल तक जिन लोगों को आतंकवादी करार देकर जंग लड़ रहा था, एक दिन उन्हीं नाम निहाद आतंकियों के साथ बैठकर समझौता करता है और चुपचाप दबे पाव झोला उठाकर निकल लेता है। अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर है कि वियतनाम के जंग में साधारण नागरिकों ने उसकी ईंट से ईंट बजा दी और एक दिन वहाँ से भी अमेरिका को मुँह छिपाकर भागना पड़ा। लेकिन जब से सऊदी अरब से अमेरिका रिश्ता कमज़ोर हुआ तब से ही बित्ते बित्ते भर के देश उसे आंख दिखा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया वाला किम जोंग तो बाकायदा अमेरिका को धमकी पर धमकी देता रहता है और चीन तो कुछ समझता ही नहीं है। रूस से सीधे टक्कर लेने की अमेरिका की हिम्मत नहीं है और बीच में फंस गया बेचारा यूक्रेन। यूक्रेन को पश्चिमी देशों ने कठपुतली बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अरब के लोगों ने अमेरिका की होशियारी को अच्छे तरीके से भांप लिया है। तुर्की के साथ भी अमेरिका के ताल्लुकात ठीक नहीं है। पश्चिम का दुलारा और अमेरिका के आंखों का तारा इसराइल भी खरी खोटी सुनता रहता है। पर जब से सऊदी और यमन के बीच हालात में सुधार देखा जा रहा है तब से ही अमेरिका के माथे पर परेशानी के शिकन देखे जा सकते हैं। तमाम इस्लामिक देश एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, तमाम अरब और गैर अरब एक दूसरे से रिश्ते सुधार रहे हैं, यहाँ तक कि सबसे अलग थलग रहने वाला ईरान भी बाकी के इस्लामिक देशों के साथ कदम ताल कर रहा है। लेकिन यही कदम ताल अमेरिका के लिए खतरे का सबब बनता जा रहा है। एक तो रूस और यूक्रेन की जंग में कूद कर अमेरिका ने अपनी भद पिटवा ली है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका की बची कुची इज्जत को बीच सड़क पर नीलाम कर दिया। अब अमेरिका फतेहाल अपनी नाकामी का तमाशा देख रहा है। जिन हथियारों पर अमेरिका इतना इतराता है उन हथियारों को ईरान ने नाकाम बना दिया है। अमेरिका अपनी जिस आर्मी पर इतना नाज करता है वही अमेरिकन आर्मी ईरान का नाम सुनकर उल्टे पाव भागने को मजबूर हो रही है। तो ऐसे में सवाल है, कैसा अमेरिका और किस बात का सुपर पावर? खबर आई है ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी नेवी को बुरी तरह से घेर लिया, जिसके बाद अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी को ईरान के जंगी पोत चारों तरफ से घेर लिया। मतलब सारी चालाकी और होशियारी ईरानी सेना के सामने धरी की धरी रह जाती है। माना जा रहा है कि अमेरिका के परमाणु पनडुब्बी ने संबंध में गहरा गोता लगाते वक्त देख लिया, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन गुस्से से तमतमा गए हैं। ईरान का दावा है कि अमेरिका की पनडुब्बी रूस पर हमला करने के लिए निकली थी, लेकिन ईरानी नेवी ने अमेरिका के बड़े मंसूबे को नाकाम कर दिया। अमेरिकी नेवी पर ईरानी नेवी ने सीधा अटैक कर दिया। इस हमले के बाद पूरी दुनिया में बेचैनी बढ़ गई है। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब ईरान ने अमेरिका की पनडुब्बी को निशाना बनाया। इस्लामी जमहूरिया ईरान से मिलिट्री जनरल यहां तक दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी नेवी के पांचवें बड़े की पनडुब्बी को ईरान ने सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। रूस और यूक्रेन की जंग को 400 दिनों से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। ईरान के जौहर को देखकर लगता है कि कहीं ये मामला तीसरे विश्व युद्ध ना बन जाए। रूस लगातार यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर हमला कर रहा है, लेकिन जब अमेरिकी नेवी का पांचवें
बेड़े की एक पनडुब्बी रूस पर सीधा हमला करने के लिए समंदर में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। ईरान की नेवी अमेरिकी की एक एक हरकत पर नजर बनाए हुई थी। ईरान का दावा है कि समंदर की सतह पर ईरान के युद्धपोत को अमेरिका के मंसूबे की जानकारी हो गई, जिसके बाद ईरान की फतेह नाम की पनडुब्बी ने अमेरिकी पनडुब्बी को घेर लिया। ईरान के दावों के मुताबिक ईरानी पनडुब्बी ने अमेरिकी पनडुब्बी से थोड़ी दूर पर चेतावनी दी कि अगर अमेरिका की पनडुब्बी समंदर में सतह की तरफ नहीं जाएगी तो अमेरिका की पनडुब्बी को समंदर के अंदर ही डुबो दिया जाएगा। ईरान अब पनडुब्बी के इस खौफनाक हमले से अमेरिका के कमांड सेंटर में भूचाल आ गया। ईरान के दावों के मुताबिक तुरंत अमेरिका की पनडुब्बी खाड़ी में सतह पर आ गई और रूस पर अमेरिकी पनडुब्बी से हमले की कोशिश को ईरान ने नाकाम कर दिया। ईरान ने एक तरह से अमेरिकी पनडुब्बी को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका पनडुब्बी परमाणु हथियारों से लैस थी, जिसमें बेहद घातक मिसाइलें लगी हुई थी। ईरानी नौसेना के कमांडर शाहरा ईरानी ने दावा किया कि अमेरिका के पांचवें बेड़े की परमाणु पनडुब्बी को ईरानी पनडुब्बी ने समंदर के अंदर घेर लिया और उसके हमले को नाकाम कर दिया। कमांडर शाहरा ईरानी के मुताबिक ईरान की पनडुब्बी ने उस वक्त अमेरिका की पनडुब्बी को पकड़ लिया। कमांडर शाहरा ईरानी का दावा है कि अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी खामोशी के साथ आगे बढ़ रही थी ताकि वो उसके पनडुब्बी की फ्रिक्वेंसी को पकड़ ना पाए। ईरान कमांडर का दावा है कि अमेरिका की पनडुब्बी समंदर में गहरा गोता लगाने जा रही थी, जिसके बाद रूस पर मिसाइल हमला करने जा रही थी, लेकिन ईरान ने हमला नाकाम कर दिया। हालांकि बहरीन में मौजूद अमेरिकी नेवी के पांचवें बेड़े ने ईरान के दावों को गलत बताया। अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के कमांडर तिमोथी हॉकिंस ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि अमेरिका की कोई पनडुब्बी ने हाल के दिनों में ईरान के समुद्री इलाकों में गश्त नहीं की और ना ही हमला करने के लिए कोई परमाणु पनडुब्बी खाड़ी में भेजी गई। अमेरिका भले ही ईरान के दावों को हवा हवाई बताने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ईरान अमेरिका और नाटो के लिए नासुर बनता जा रहा है। जब से अमेरिका ने ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को मिसाइल हमले में मारा है, तब से ईरान जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता है। पर इतना तो तय है कि अमेरिका का सारा गुरूर ईरान ने चूर चूर कर दिया। ईरान ने साबित कर दिया कि उसे हल्के में लेना काफ़ी महंगा पड़ सकता है, वरना किसने सोचा था कि सुपर पावर अमेरिका ईरान के सामने सरेंडर कर देगा। पर इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, दरअसल ताकत हर वक्त एक ही शख्स के पास नहीं होती। कल तक अमेरिका के पास थी और अब ईरान रूस चीन के पास मौजूद है। बहरहाल चलते चलते आखिर में नदीम गुलानी ने भी क्या खूब फरमाया है, तुझसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, तुझसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, मेरे दुश्मन तू मेरे कद के बराबर तो आ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।